आराम कर लेना, आराम से बैठ जाना, साइकिल मत चलाना आज। तो गाइस रात के 12:15 बज रहे हैं और यहाँ पर देखो। हे गाइस वेलकम बैक अगेन। तो जी नाश्ता वगैरह कर लिया है। बहुत निकला था, थोड़ा सा ही निकला। खरोच लगी है? खरोच नहीं, खून थोड़ा सा निकला। किस चीज का कोना लगा था? कोना नहीं, वो पूरा एक जमीन है ना, उस पे सीढ़ी पे लग गई थी। सीढ़ी का कोना? हम्म। मैंने आंटी के साथ मुझे वहां भेजा था मेडिकल रूम में। बाबू ध्यान से खड़ा करो ना। तो भाग, आप भाग के जा रही थी? नहीं नहीं, पीछे से किसी का धक्का लगा है। कह रही है कि कोई भाग के आ रहा था, उसने मुझे धक्का दिया है। हैं? फिर उन्होंने दवाई लगा के पट्टी खाई। रुक जाओ मैं देखता हूँ अभी। दवाई भी अब रोड पे भंडारा हो रहा था, तब इतनी भीड़ हो रही थी। अच्छा। बस वाले ने भी बस बिल्कुल बीच में साइड करने का भी वो जगह नहीं थी रोड पे, बिल्कुल बीच में रोक कर उसने एकदम हाथ देकर फिर उतारा बच्चों को एकदम। फिर मैंने बिठा लिया स्कूटर में, मेरी नजर ही नहीं पड़ी। ऐसे चोटे मार के आओगी अब तुम? आप ही देखिए, सुबह से आप ही कर रही है। जब से उठी है आप ही को चोट लग गई। चलो ना, हाँ आए पालू कर लो। आए चोट लग गई। चूनानी चूनानी अभी क्लीन करेंगे डेटॉल से। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वासिफ ज़ुफ़िशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं, फिट एंड फाइन हैं। नहीं हो आप? हो गए हैं अभी थोड़ी। तो जी नमाज पढ़कर आए हैं और माहिरा को लेते हुए आए हैं और आई हैं चोट लगाकर। और बाकी आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, आपने मेरी तबीयत का इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाया और इतना पूछा, बार बार मैसेजेस कर कर के आप लोग पूछ रहे हो। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब तबीयत थोड़ी सी ठीक है, ठीक क्या 90% ठीक हो चुकी है। बस थोड़ी सी वीकनेस है और बॉडी में हरारत है। दवाई वगैरह मुझसे एक तो खाई नहीं जाती, मैं दवाई खाने का चोर हूँ। एक बस एक बार एक खुराक खा ली और उसके बाद ना ऐसा लगता है ठीक हो गए ठीक हो गए, फिर दूसरी खुराक नहीं खाता। लेकिन मैडम ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके दवाई खिलाई और मैंने इस बार पहली बार सारी खुराक खा ली और मुझे अब ठीक भी लग रहा है, ठीक भी हूँ। नमाज़ पढ़ने गया था आया, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और ये गर्मी है और ये जो उस दिन बकरीद वाले दिन थकान हुई थी उसी वजह से मेरी तबीयत डाउन हुई थी। चलिए चलते हैं और अब करते हैं व्लॉग कंटिन्यू और देखते हैं क्या क्या होता है इस व्लॉग में। बैठी हुई है यहाँ पे मैडम मायशा। चलो बाहर चलो, आओ अप्पू को पूछेंगे अप्पू के कैसे लग गई। आओ छोड़ो गंदा है व्हील, खड़े बड़े खड़े बड़े खड़े बड़े चलो। तलो 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 भाई तलो। वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठो यही बैठो। लो उसे देखो उसे देखो। ओए मैंगो नहीं खाया। ओ पुटली रखी थी। क्या पुटली रखी थी? नहीं बाबू पुटली नहीं है, आम है। वो अपने नए लंच बॉक्स में लंच लेके गई थी आज। आज इन्हें सैंडविच दिया था और ये स्मूथ भी नहीं पिया। खीरा दिया था, मैंगो दिया था और रस दिया था एक आधा। इधर आओ इधर आके दिखाओ चोट। तो ये देखिए चोट, ये चोट मारकर आई हैं आज, लगी है किसी बच्चे ने पीछे से धक्का दे दिया था, पानी पीने जा रही थी। तो आपने देखा नहीं उस बच्चे को? नहीं। क्यों? वो मैं क्लास में नहीं थी ना, बाहर थी, हैंड वॉश करने जा रही थी। तो आप उस बच्चे को एक बार देख लेती ना तो फिर मैम से कह देती मैम वो बच्चा था उसकी, फिर कंप्लेंट करती। अरे नहीं यार, बच्चे बहुत वो हैं, एकदम ऐसे भागते हैं अंधेधुन करके।
आराम से बैठ जाना। साइकिल मत चलाना आज, नहीं तो चलाओगी साइकिल भी? हैं चलाओगी? नहीं। चला लेना। चला लेना कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इतनी इतनी चोट तो लगती रहती है। 2 hours later. चम चम कुटु 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 12 o'clock midnight. तो गाइस रात के 12:15 बज रहे हैं और यहाँ पर देखो फीडिंग चेयर का वॉकर बना दिया गया है और उसको चलाया जा रहा है दबा के। इनको सोना होना है नहीं, इनको ये देखो मोड़ना भी आता है इनको। ये देखो ये मोड़ा ये गाड़ी मोड़ी अपनी, ये एक्सलेटर दिया, ये मोड़ा, ये चली 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 फिर रुक गई, फिर मोड़ी, साइड कर रही हूँ, चली 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 फिर रुक गई। हाँ भाई तू आया था पीछे मेरे, अब नहीं आई है, यहाँ पटी पड़ेगा। चलो 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 भाई गाड़ी मुड़ो, कहाँ टकरेगी गाड़ी, हाँ मुड़ो पीछे चलो आगे 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 पीछे 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 आगे आगे आगे, ये अटक क्यों रही है मेरी गाड़ी, अरे पीछे 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 पीछे, अरे क्या हो गया, पीछे 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 पीछे, चलो 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 कहाँ अटक गई ये, अरे हटा दफा करो, मैं तो जा रही हूँ छोड़ के। हाँ भाई, अरे 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 गाइस वेलकम बैक अगेन। तो जी नाश्ता वगैरह कर लिया है, उसके बाद आज हमने नाश्ता 8 बजे ही कर लिया था, फिर थोड़ी देर सो गए थे मायरा को छोड़ के आने के बाद। और अब इस वक्त बज रहे हैं 12 और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है और अब टेंशन हो रही है कि मायरा को कैसे लेकर आएंगे, थोड़ी देर में मायरा भी आने वाली होगी, देखते हैं। पापा तो जी गाइस बारिश गई है रुक और माहिरा भी आने वाली है, तो जी हम चले जल्दी से माहिरा को लेने, हम जा रहे हैं बाय बाय। हाँ सही है, तो माहिरा की चीना है, तो एक अम्ब्रेला मंगानी है यार, मांशु बाय। तो फिर शुरू हो गई हल्की हल्की वाटर क्रॉसिंग, आ गई छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। Thank you.
हो रही थी बारिश, मैं आपकी छतरी लाया हूँ ना। अब तो नहीं ना हो रही है, हल्की हल्की आप पकड़ लो ठीक है। हम आपके हैं कौन? 5 hours later. हाँ जी मायरा फरीद, उठ गई सो क्या? आज शनिवार रात थी, मुझे नींद नहीं आती। कल तो संडे है, आज शनिवार रात ही मनाओगी आप? सैटरडे नाइट क्या करोगी? सोगी नहीं आज आप पूरी रात? सोना नहीं पूरी रात, मायशू के साथ खेलना आज आप। मायशा सोएगी नहीं क्या? मायशा, ओए मायशा, मैडम आप क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, एक रील एडिट करके डाल रही हूँ। गाइस देखिए बहुत ही जबरदस्त एक फनी रील शूट करी है अभी हमने, वो जूफी के अकाउंट पे शायद लाइव हो गई होगी। जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तो हो जाएगी, देखना। बड़े मजे की रील बनाई है, वो शूट कर रहे थे अभी हम। और ये देखो मैडम को, ओए मायशु, माइचू, ओ मेरे माइचू। तो गाइस देखिए एक बच्चा है पहला चो बच्चा, वो कहाँ कहाँ चढ़ाई कर रहा है। हाय हाय हाय, अब यहाँ से कर लेगा, देखो हाय यहाँ से कर लेगा, हाय हाय। अरे यार इसको रिमोट मिल गया, इसको रिमोट मिल गया, रिमोट मिल गया, हट जाओ, रिमोट मिल गया इसको। हाय How are you? ऐसा लगा ना, बोला How are you? Hi, hi, हट जा, बर्थडे, मेरा बर्थडे, हट जा, मायरा, बर्थडे वाले दिन करना, हट जा, इसका बर्थडे, इसका आज बर्थडे आ गया, हट जा। आई करी करी, हाँ? Yeah, बर्थडे, oh बर्थडे। मायचू मायचू, दिव्या आंटी का व्लॉग आ गया, गए बताओ नहीं, कहीं तो आए, देखो ना ये देखो। वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया, थैंक यू सो 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 मच गाइस। इतने कम समय में इतनी ज्यादा हमारी फैमिली बढ़ जाएगी, इतनी जल्दी बढ़ जाएगी। तो जी गाइस आज डिनर में बना है बेसनी पराठे और टमाटर प्याज की चटनी, और अभी तक बकरा ईद गुजरे हुए 4th-5th दिन है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने 4th-5th नहीं छोटा दिन है कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है, तो दिल ही नहीं चाह रहा है कुछ खाने का बनाने का, मतलब सब ऐसे ही रखा हुआ। इंशाल्लाह मायशा के बर्थडे पर बनाएंगे, डन इंशाल्लाह। तो गाइस खाना वाना हमने खा लिया है और अब दवाई खाऊंगी और मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई है, गले में दर्द, नज़ला और हल्का हल्का फीवर होना शुरू हो गया है। तो अल्लाह ताला करे कि मेरी तबीयत सुबह तक ठीक हो जाए, और अब मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। हो सकता है मायशा के बर्थडे वाले व्लॉग में मिले, या उससे पहले कोई व्लॉग बनाया तो पोस्ट कर देंगे, अदरवाइज तो अब आपसे मिलेंगे मायशा के बर्थडे के व्लॉग में। आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि मायशा का बर्थडे कब है, काफी सारे लोगों को पता है, काफी सारे लोगों को नहीं पता। तो 19 जुलाई को है मायशा का बर्थडे, और कुछ चीजें हमने प्लान की है जो कि आपको आगे इंस्टाग्राम की वीडियोस में और हमारे नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो बस बने रहिए ऐसे ही, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि मायशा के बर्थडे का व्लॉग आपसे स्किप ना हो सके। चलिए फिर मिलेंगे एक मजेदार से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, और दुआ कीजिएगा हाँ कि मेरी वासिफ की घर में सबकी तबीयत एकदम परफेक्टली फाइन।